हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, यू वाचिंग ए टी वी। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मैग्नेट की और एक मैच बॉक्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैग्नेट आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है। आयरन पीस मैग्नेट से अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आप सबको बताया है, आपने वो वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक को क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। आयरन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। लेकिन इसके अलावा जितने भी मटेरियल हैं, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। जैसे ये मैच स्टिक, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। यदि इसे दो पार्ट में कर लूँ, इसका हेड अलग और इसका बॉडी अलग, तो भी ये सेपरेटली भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। आप देख सकते हैं ये नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मैच स्टिक को भी अट्रैक्ट करके देखेंगे। उसके लिए हमें मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसमें दोनों वैरायटी के मैच स्टिक ले रहे हैं, ये ब्लैक हेड वाला और ब्राउन हेड वाला, कि कोई सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम बर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये आयरन किस तरीके से अट्रैक्ट होता है। बर्न करेंगे, जलाने के बाद एक एक को ठंडा होने छोड़ देंगे। काफी सावधानी से ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। मैंने सारा मैच स्टिक को जला लिया। अब एक एक करके ट्राई करते हैं ये अट्रैक्ट होता है या नहीं। सबसे पहले इस वाले, ये अट्रैक्ट हो गया साइड के। दूसरा ये भी हो गया इसे भी साइड के। तीसरा ये भी हो गया इसे भी साइड के। चौथा ये भी हो गया, पांचवा ये भी हो गया। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं, सिर्फ हेड अट्रैक्ट हो रहा है, इसका बॉडी या फिर ये एस जो जला हुआ राख है वो तक भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जलने के बाद भी कुछ इसमें चेंजेस नहीं आया है। वेल, इसे साइड करते हैं, इसे हम साइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हेड्स हैं उसे बीच में रखते हैं और उसके बाद इसे एक साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं सारा का सारा अट्रैक्ट हो चुका है। इन सभी को हम हाथ में लेते हैं। काफ़ी सावधानी से ये टूट सकता है। इन सभी को हमने हाथ में ले लिया है और इसे हम अट्रैक्ट करते हैं। सारा चिपक चुका है, काफी कम ही प्रभाव से ही सही, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसे और इंटरेस्टिंग देखने के लिए इसे पेपर के ऊपर रखते हैं और इस पेपर को मैग्नेट के ऊपर। ये चिपकता ही जा रहा है इस पेपर को मैग्नेट के ऊपर, ये देख सकते हैं, ये इसके ऊपर डांस कर रहा है। तो आप समझ गए कि मैच स्टिक का हेड जलने के बाद अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन जलने के पहले नहीं। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैच स्टिक के हेड में उपस्थित सभी रसायनों के साथ आयरन के कंपाउंड भी होते हैं, और आग लगने के बाद आयरन के कंपाउंड बाकी रसायनों से अलग होकर
आयरन सेपरेट कर लेता है, मतलब इसके जो भी अंदर आयरन के कंपाउंड होंगे वो जलने के बाद, रसायनों के साथ जलने के बाद कुछ साधारण सा या कोई सा भी अभिक्रिया कर ये आयरन को सेपरेट कर देता है, जिसके कारण इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में या जो भी जितना भी कम अमाउंट में आयरन हो वो इसके साथ अट्रैक्शन करना शुरू कर देता है, मतलब इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्रिएट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैच स्टिक का हेड जलने के बाद मैग्नेट के साथ क्यों अट्रैक्ट होने लगता है, और काफ़ी ये अनोखा भी लगता है। आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो इसे मैजिक ही समझेगा, पहले नहीं चिपक रहा पर ये जब जल जाता है तो उसके बाद ये अट्रैक्ट होने लगता है, जलने के बाद ये बिल्कुल जादू का जैसा अट्रैक्ट होने लगता है। ये देखिए, बस आज के वीडियो में इतना ही, और ये जो आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए ये अट्रैक्ट हो जा रहा है, और ये नहीं है इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।